वेलकम एवरीवन इन ग्रीन पीस। तो पिछली बार मैं गया था एंटिटी के कासल और में। जब मैं वहां पर पहुंचता हूँ मेरे को कुछ नए एंटिटीज दिखती है और मेरे को ये नहीं पता कि ये लोग वहां पर कर क्या रहे थे। तो आज हम लोगों को ये सब चीज़ फिगर आउट करनी है और आज हम लोगों को वहाँ एंटिटी के कासल तक जाना भी है। और क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे, देखते हैं इस वीडियो में। खैर गाइस, अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइबर लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ दबा दो, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और या सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर और इसी के साथ मैं फाइनली कह सकता हूँ और अब आगे। ओ भाई ब्रो, ये क्या चल रहा है यार ये ग्रीन पीस में भाई। और अगर तुम लोग ये सोच रहे कि ये एपिसोड क्यों इतना ज़्यादा लेट हुआ है तो यार एंटिटी लोगों ने इस सर्वर में पता नहीं यार क्या डाल दिया था, इसके कारण से सर्वर ओपन ही नहीं हो रहा था यार। और खैर गाइस, अब मेरे को एक बार यहाँ पर चेक करने दो क्योंकि पता नहीं यार ये एंटिटी कब कहाँ से आ जाएंगे, तो इसीलिए पहले तो हम लोग को ऐसे सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यार अभी अरे भाई भाई कैसे रात हो सकती है यार, ये तो इम्पॉसिबल है यार माइनक्राफ्ट में। अभी सुबह हो रही थी यार। व्हाट भाई, मैं बता रहा हूँ ये ग्रीन पीस में कुछ अलग ही चल रहा है। ये क्या है भाई, इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज तो भाई मेरी जिंदगी में नहीं देखे भाई अपने। भाई कैसे स्पॉन हो ये बंदा कौन है सामने? और भाई क्या मेरे को इसको हेल्प करना चाहिए यार? ये पता नहीं यार ये ग्रीन पीस में चल भी क्या रहा है यार, अचानक से रात हो रही है, अचानक से क्या हो रही है भाई, इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज कैसे स्पॉन हो सकते है? चलो गाइज, मैं अभी सोच ही रहा हूँ कि चलो उसको हेल्प ही करते हैं। और गाइज ये वीडियो में इसीलिए कट लगाए क्योंकि यहाँ पर मेरा गेम मिनिमाइज हो गया था। और भाई ये देखो कितने ज़ॉम्बीज है यार ये, भाई इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? 48 प्लस एंटिटीज है यार, 48। अरे सीरियस ब्रो, 48 से मैं कैसे लड़ सकता हूँ यार? और ये मेरे को तब से लेकर बुला रहा है यार, मेरे को उसको हेल्प करना जाना ही पड़ेगा। हाँ अब मैं इन लोगों से मैं कैसे लड़ूंगा यार? भाई उधर उधर ऊपर देखो, ठीक है 46 प्लस एंटिटीज दिखा रही है। यस 46 प्लस एंटिटीज, मैं इन लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ? आर यू सीरियस ब्रो? चलो गाइस, मैं इन लोगों को पूरा मार के ही मिलता हूँ, शायद से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। चलो देखते हैं। और ये लास्ट, और इसी के साथ भाई मार दे। ओके तो इसी के साथ मर गया है। सॉरी भाई, मिस क्लिक। ओके भाई तू यहाँ पर कैसे आया पहले तू वो बता, लेकिन सबसे पहले ये खाना ले ले। और भाई तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, मेरे को वो सब चीज़ एक एक करके बताओ यार जल्दी। यस ऑल राइट गाइज, मैंने इससे सारे चीज़ बात कर लिया है, लेकिन ये बंदा पता है क्या बोल रहा है? ये बंदा बोल रहा है मैं जो भी हूँ तेरे को उससे क्या मतलब, उससे तेरे को कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये बंदा वही बोल रहा है, ये बंदा बहुत ज़्यादा रूड लगा मेरे को, पता नहीं क्यों। लेकिन यार मेरे को और ये कुछ तो ऐसा बोल रहा है कि मेरे किंग ने तुम्हारे लिए कुछ तो भेजा है, पता नहीं इसका किंग कौन है। और मेरे को पता नहीं यार कोई बंदा क्यों ही कुछ भेजना चाहता होगा। और ये बंदा मेरे को अटैक करने क्यों लग गया है लोग? अरे भाई रुक जा भाई, भाई मैंने तेरे किंग के बारे में कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं किया यार, ठीक है यार भाई, मेरे कसम से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है भाई, रुक जा, ठीक है रुक जा। और राइट गाइस, इसके किंग ने मेरे को कुछ तो एक नोट जैसा भेजा है, वो ये बोल रहा था। और भाई मैं तेरे से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि मैं क्या तू अपना आर्मर उतार सकता है यार? यस आर्मर भाई तू, थैंक यू या भाई इतने बूढ़े हो के भाई तू कैसे काम कर रहा है यार ये? ठीक है भाई ठीक है, पहले तो वो मेरे को तू नोट दे दे क्योंकि वो यार वो नोट बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है भाई। तब से बोल रहा हूँ भाई ड्रॉप, मेरे को कुछ हाथ में दिखा इसका भाई, ड्रॉप कर दे। यस गज, इसको देखो यार क्या ही तो चमक रहा है यार भाई, मैं उठा लेता हूँ। पता नहीं फॉर यू भाई, बुक का नाम क्या यार, फॉर यू कैसा भाई ऐसा भी बुक? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और इट कैन बी वर्स टू यू, इट डजेंट मैटर हु एम आई ब्रो। क्या तू मेरे को पढ़ने भी देगा? हाँ भाई बता क्या बोलना चाहता है? ऑलराइट गाइस, हमारे सोल्जर भाई ने बोला कि वो अपने कासल की ओर जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने किंग को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा उसा करना है क्योंकि वो उनका जॉब है। यस भाई तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हा?
और ये नहीं, मैंने ऑलमोस्ट तुम लोगों को बताना भूल ही गया था कि हमारे जो ये सोल्जर भाई थे, इन्हें क्या बताया कि जो तू एंटिटी का कासल ढूंढ रहा है ना, वो और कहीं पर नहीं, इसके ही पेड़ के, यस ये पेड़ के पीछे, मतलब कि उस पेड़ के पीछे जो ये फॉरेस्ट दिख रहा है ना भाई, वहाँ पर उस फॉरेस्ट के पीछे एक कासल है जो और किसी का नहीं, हमारा नेगेटिव एंडरस्टीप का कासल है। यस, जो हम लोगों ने इतने पापड़ पे लिए थे दूसरे टाइमलाइन जाके, दूसरे मल्टीवर्स जाके, वो फाइनली यहाँ पर सक्सेस हो रहा है। यस, अब हम फाइनली उस एंटिटी के कासल में जाके कुछ राज खोल सकते हैं उस एंटिटी के रिगार्डिंग। और क्या मेरे भाई, मत कहना कि वो कासल का एक हिस्सा है, मत के... ये क्या कासल है यार, भाई साहब, भाई मेरे को गूज़बम्स आ गए भाई, ये क्या कासल है भाई, काश ये कासल मेरा होता यार, भाई क्या कासल है यार, हमारा भाई, हमारा पॉजिटिव इंडस्ट्री का तो ये भी नहीं था भाई, ये कौन है, ओह ये भाई, ये गाइस ये वही एंटिटी है, रिमेंबर जब मैं पार्कोर कंपटीशन से आ रहा था करके, और तभी उसी दौरान मेरे को यही एंटिटी दिखा था, मतलब कि ये एंटिटी इन लोगों का चमचा है, मतलब कि इसका ये रक्षक है, मतलब कि समझ रहे हो ना भाई मेरा बात, ये बंदा कर क्या रहा है लोग, क्या मेरे को उसके ऊपर हमला करना चाहिए, अरे भाई डरते है क्या भाई, देखो मैं तो डरता हूँ नहीं, मैं ठेरा भाई एग्रेसिव प्लेयर, ठीक है, और कॉन्फिडेंस से देखो तुम्हारे भाई के ऊपर भर के, वो भाई स्टिल खड़ा हुआ है, क्या मेरे को उसको अभी अटैक कर देना चाहिए, पता नहीं यार, तो गाइस मैं तब से देख रहा हूँ ये बंदा हिल, अरे भाई मैं बोलने ही वाला था ये हिल नहीं रहा है, छोड़ो गाइस मेरे से अभी रुका नहीं जा रहा है, अभी मैं इसके ऊपर हमला करने जाने ही वाला हूँ, पहले तो यार ठीक है गाइस, अरे ओके चलो देखते हैं, या तो ये मरेगा या तो मैं तो मरूंगा नहीं, अरे बंदा कर क्या रहा है भाई, हेलो ठीक है यार, ठीक है देख लिया जा भाई, पहले ना तू ना मर जा एंटिटी, तू इतना ज़्यादा नूबड़ा कैसे है भाई, ये एंटिटी अभी तक का सबसे नूबड़ा एंटिटी, कसम से तुम मानो या ना मानो, ये बंदा कितना ज़्यादा डैमेज देता यार, ये नूबेस्ट तो है लेकिन इसका लाइक ये पूरा नूबेस्ट है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ कितना है यार, एक ही बार में 4-8 लेता है यार ये बंदा नूब तो है, देखो मैं इसको इजीली कॉम्बो मार सकता हूँ, लेकिन ये बंदा देखो ठीक है, एक इस बार ध्यान से देखना, मैंने ये गोल्डन एप्पल खाया, देखो गोल्डन एप्पल खाने के बाद भी भाई ये बंदा 4-4-8 का डैमेज, ये क्या है, नो फ्रिकिंग वेज, मैं यहाँ पर कैसे मरा यार, मेरे पास 8 हार्ट्स थे यार, मैं कैसे मरा।